हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। देश भर में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और सुरक्षा के मद्देनजर नारनौल में ठीकरी पहरा शुरू कर दिया गया है। बता दें कि लोगों की सुरक्षा के लिए और कोरोना से बचाव के लिए महेंद्रगढ़ के लोगों ने पहले ही ठीकरी पहरा शुरू कर दिया था और बाहर से किसी भी व्यक्ति के गली मोहल्लों और गांव में आने पर रोक लगा दी गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज गोस्वामी। जैसा कि आज शहर के अंदर ठिकरी पहरा जो है और गांवों में ठिकरी पहरा शुरू कर दिया है, आज उसी की जो है एक आपको जो है यहां पे हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां ठिकरी पहरा जो है दिया जाता है और कैसे ठिकरी पहरा क्यों दिया जा रहा है और किन कारणों से दिया जा रहा है। वार्ड नंबर 9 में और यहाँ पर जो पार्षद है उनसे हम पूछेंगे कि आखिर ये ठिकरी पहरे का क्या जो है कारण, किस वजह से ठिकरी पहरा दिया जा रहा है। ठिकरी पहरा इसलिए जरा जी, कोई बाहर का आदमी वार्ड में ना प्रवेश करे, कोई बाहरी व्यक्ति, उनको रोकना मेन मकसद है कि बाहर का व्यक्ति कोई भी ना प्रवेश करे जी। इस वक्त मेन प्रवेश है। मतलब ये इतना डर किस वजह से? इतना डर वजह कोरोना जो फैल रहा है, कोई बाहर का वो आदमी वाके वायरस जाना फैलाते हैं, इस वजह से मेन। अच्छा, जैसा कि इन्होंने बताया कि बाहर का कोई आदमी रात में चुपचाप एंट्री ना करे, इस चीज को लेकर जो है ये लोग सतर्क हैं। ऐसा आपको बता देना चाहते हैं कि ऐसा केवल यहाँ नहीं बल्कि पूरे जिले के हर गांव में और हर मोहल्लों में इस तरीके के जो है ठिकरी पहरे दिए जा रहे हैं। नारनौल से मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट।